अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नाजरीन ग्रामी मैं हूँ कामी मलिक और आपको ट्रेंडिंग पॉइंट्स की कोर वीडियो में खुश आमदीद। मौजूद सामीन, आखिरकार भारतीय क्रिकेट टीम का गरूर खाक में मिल गया। ये वही भारतीय क्रिकेट टीम है जो कि गरूर में वर्ल्ड कप खेलने आई थी और भारतीय मीडिया जो कि भारतीय क्रिकेट टीम की मुकम्मल तौर पर तारीफें करता था। हम आपको वो ऑडियो क्लिप सुनाने जा रहे हैं जिसमें वो भारतीय क्रिकेट टीम की बेइज्जती कर रहा है और कह रहे हैं कि अब तो भारत वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है और टोटल दो वर्ल्ड कप के मैच जो भारत ने खेले हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ दो विकेटें उन्हें हासिल हुई हैं। आप ऑडियो क्लिप सुने, इसके बाद आपको मजीद तफसीलात से आगाह करते हैं। हो चुका है क्योंकि दूसरा मैच भी भारत हार गया 8 विकेटों से। कमाल है, दोनों मैचों में मिलाकर भारत 2 विकेटें मिली है। 8 विकेट से ये बड़ी हार, वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के दरवाजे लगभग बंद है। हालांकि हम कह सकते हैं कि हमने अफगानिस्तान को हरा दिया, स्कॉटलैंड को हरा दिया, नामीबिया को हरा दिया और न्यूजीलैंड अफगानिस्तान से हार जाए, फिर नेट रन रेट में ये हो जाए, नेट रन रेट में वो हो जाए तो शायद भारत सेमीफाइनल में जाए। हकीकत ये है जो टीम भारत की खेली है दोनों मैचों में वो शायद डिजर्व करती भी नहीं थी जीत। शायद दिल जरूर टूटे होंगे लेकिन असलियत जिसे कहते हैं रियलिटी चेक भी हुआ है भारत के लिए, हैंडल नहीं कर सकते। ये नॉकआउट मैच तो नहीं था लेकिन नॉकआउट की तरह ही था। पर एक बार फिर ऐसा मैच जहां पर आपको जीतना है जिंदा रहने के लिए, दगा बल्लेबाजों ने दी। टॉस भी भारत ने जीता लेकिन दोस्तों एक बात का ध्यान रखना कि दोनों मैचों में टॉस जरूर हारे लेकिन टॉस के कारण मैच नहीं हारे, क्योंकि मैच तो आप पहले आधे हाफ में ही हार जाते हैं, आपसे बैटिंग नहीं हुई, इसीलिए पोस्ट के आने से पहले आप हार मान चुके। न्यूजीलैंड ने आराम से रन बनाए हैं, न्यूजीलैंड ने 8 विकेटों से इस मैच को जीत लिया। हकीकत यह है कि वो एक कहावत आती है, माफ कीजिए माजरत के साथ, इन तिलों में तेल नहीं। अगर आज आप ये सोच रहे हैं कि 110 रन डिफेंड हो जाएंगे तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग करनी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपकी बॉडी लैंग्वेज होगी, लेकिन क्या वो चीज आपको इस खेमे में 3 पारियां हो चुकी है इस टूर्नामेंट में वो दिखी? फेयर नतीजा है जो भारतीय मीडिया के ऊपर बैठकर भारतीय क्रिकेट टीम के बारे में बात करते थे, तारीफों के पुल बांधते थे और कहते थे कि हम तो इतिहास दोहराने जा रहे हैं, हम पाकिस्तान को हराएंगे, उसके बाद हम न्यूजीलैंड को हराएंगे और हम नॉकआउट से बचते बचते फाइनल में जाएंगे और वहां पर जाकर एक मरतबा फिर वर्ल्ड कप वापस लेकर आएंगे। लेकिन जो कुत्ते वाली हुई है भारत के साथ, भारतीय क्रिकेट टीम के साथ, बहुत सारे ऐसे शायकीन हैं जो कि क्रिकेट ग्राउंड में रो रहे थे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने टीवी तोड़ दिए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कस्में उठा ली हैं कि आज के बाद हम भारतीय क्रिकेट टीम का मैच नहीं देखेंगे। और भारतीय एंकर इस बात को बार बार दोहरा रहे हैं कि भारत टीम इस काबिल ही नहीं थी कि वो क्रिकेट मैच जीत सके। प्यारे दोस्तों, भारतीय एंकर ने ये बात वाजह तौर पर कही है कि जिस अंदाज से भारतीय क्रिकेट टीम खेली है ये तो एक मैच जीतने के काबिल नहीं है। प्यारे दोस्तों, पहली बॉल से लेकर आखिरी बॉल तक एक मरतबा फिर न्यूजीलैंड के सामने भारतीय क्रिकेट टीम लड़ती हुई नजर नहीं आई। ना जाने क्यों भारतीय क्रिकेटर्स खेलने के लिए तो आते हैं लेकिन जीतने के लिए नहीं। वर्ल्ड कप के दोनों मैचों में भारत का मोरल बेहद डाउन था। अब आपको बताते हैं कि असल मामलात क्या थे और क्यों भारतीय क्रिकेट टीम परफॉर्म नहीं कर पाई। देखिए, जब आपको सोशल मीडिया, आपका भारतीय मीडिया मुकम्मल तौर पर आपके बारे में बात करेगा, आपको पुशअप करेगा, आपके ऊपर प्रेशर ऐड करेगा तो फिर आपकी परफॉर्मेंस यही निकलेगी। भारतीय मीडिया वर्ल्ड कप से पहले और सोशल मीडिया उठाकर देखें तो इन्होंने इस अंदाज से भारतीय क्रिकेट टीम को सर पर सवार किया हुआ था, इनके बारे में बार बार बात कर रहे थे, ऐसे बात को उछाल रहे थे जिसका बेहद प्रेशर इनके क्रिकेटर्स पर आया है। अब सूरत हाल यह है कि पाकिस्तान के साथ वो क्रिकेट ग्राउंड में बड़े रिलैक्स होकर उतरे थे लेकिन जैसे सरप्राइज पाकिस्तान ने किया उसके बाद वो मुकम्मल तौर पर नॉकआउट हो गए। जब वो न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलने के लिए आए, प्यारे दोस्तों, उन्होंने टेंशन की गोलियां ली थी।
क्योंकि उन्हें अच्छे तरीके से पता था कि न्यूजीलैंड के खिलाफ भी उनके साथ क्या होने जा रहा है। जब कोई भी क्रिकेट टीम हार के डर से मैदान में उतरती है तो वो कभी भी जीत नहीं सकती, और इस मरतबा भी भारत को इस बात का शदीद डर था कि कहीं हम हार ना जाएं। देखिए, भारतीय जितने भी क्रिकेटर्स हैं उनके घर की सिक्योरिटी को टाइट कर दिया गया है, और उसकी वजह यह है कि बुरी तरीके से हार के बाद कहीं भारतीय उनके घर पर या उनके घर वालों पर हमला न करते। ये सूरत-ए-हाल इतहाई खतरनाक हो चुकी है। अब तकरीबन भारत की वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल की दौड़ में जाने की राहें बंद हो चुकी हैं, और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान से बुरी तरीके से हारे, न्यूजीलैंड से बुरी तरीके से हारे, और टोटल अगर हम विकेटों की बात करें तो दोनों मैचों में भारत ने सिर्फ 2 विकेटें हासिल की हैं, यानी पाकिस्तान के खिलाफ वो कोई विकेट हासिल नहीं कर पाए, और उसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ सिर्फ उन्होंने 2 विकेटें हासिल की हैं। अब इसके अलावा भारत के 3 मैच बकाया हैं। अगर भारत वो तीनों मैच जीतता गया और न्यूजीलैंड अफगानिस्तान से हार जाता गया तो फिर रन रेट का देखना होगा कि रन रेट किसका है, लेकिन दोनों मैच में बुरी तरीके से हार के बाद रन रेट के भी कोई आसार सामने नजर नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। भारतीय एंकर रो पड़े हैं, भारतीय मीडिया इस वक्त चीख रहे, चिल्ला रहे, और उनका सोशल मीडिया भारतीय क्रिकेट टीम के लिए विराट कोहली के लिए जहर उगल रहा है। यही सोशल मीडिया और यही न्यूज चैनल हैं जिन्होंने भारत को हरवाने में काफी किरदार अदा किया है। एक तरफ भारतीय मीडिया और दूसरी तरफ पाकिस्तान की मीडिया, अगर इनको कंपैरिजन करें तो पाकिस्तान की मीडिया की जानिब से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के ऊपर कोई प्रेशर नहीं था, लेकिन अगर भारतीय एंकर्स की बातें सुने, उनकी रिपोर्टिंग सुने, उनके प्रोग्राम में जैसे वो बांट कर बात कर रहे थे, वो तमाम चीजें भारतीय क्रिकेट टीम को प्रेशर में ले आई, और यही क्रिकेटर्स हैं जो उनके मैच विनिंग परफॉर्मिंग देते हैं, लेकिन यही क्रिकेटर्स हैं उनके जब वो ग्राउंड में उतरे तो ऐसा महसूस हो रहा था कि ये क्रिकेटर्स उनके या तो नशा करके आए हैं या फिर ये खेलना ही नहीं चाह रहे। कोई उनकी बॉडी लैंग्वेज नहीं थी, कोई उनका खेलने का अंदाज नहीं था, कोई उनका अटैक नहीं था, और कोई उन्होंने विकटें लेने की कोशिश नहीं की। आप न्यूजीलैंड का मैच उठाकर देखें, पाकिस्तान का मैच उठाकर देखें, भारत की बॉलिंग में जान ही नहीं थी, और मैं ये समझता हूँ कि भारत की हार में बहुत बड़ा किरदार उनकी बॉलिंग का है। ना तो वो स्कोरबोर्ड पर स्कोर कर पाए और ना ही वो अपोजिट टीम की विकटें हासिल कर पाए। खैर, इस वक्त भारत मुकम्मल तौर पर वर्ल्ड कप से आउट अभी नहीं हुआ, अभी तक रन रेट का मामला सामने है, लेकिन सेमीफाइनल से उनकी राहें मुकम्मल तौर पर दूर हो चुकी हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।